दोस्तों, पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल्स में कुछ वीडियोस बनाए हैं। वन ऑफ द क्वेरी वाज कि कॉस्ट ऑफ पीआरपी क्या होना चाहिए, पीआरपी ट्रीटमेंट में खर्चा कितना आता है। तो दोस्तों, अगर आप भी डेफिनेटली पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो और हर क्लिनिक आपको अलग अलग रेट्स बता रहा है, तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं सर डॉक्टर किरण चुटलिया, आई एम ए डर्मेटोलॉजिस्ट एट अर्बन स्किन एंड हेयर क्लिनिक पुणे ब्रांच। तो दोस्तों, पीआरपी ट्रीटमेंट इज़ वेरी कॉमन। मेरे सेंटर में डेली 5 to 7 पीआरपी मिनिमम होते हैं। सैटरडे संडे ज़्यादा पेशेंट होते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट भी आते हैं, तो उनकी वजह से और पीआरपीज होते हैं। सो पीआरपी एक बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट हो गया है। वी हैव सीन वेरी एनकरेजिंग रिजल्ट्स इन विद पीआरपी अलोन। मैनी टाइम्स हमने ट्रांसप्लांट के पेशेंट को भी हमने पीआरपी में शिफ्ट किया है और पीआरपी से उनका पूरा रिजल्ट ला के आया है। एंड देयर लॉट ऑफ गाइस, एस्पेशली द यंग जनरेशन, जिनका 20 से 30 में हेयर लॉस हो रहा है, उनके लिए पीआरपी एक वरदान के जैसा है। बहुत अच्छे एंड डिस्टिंग्विश, सब डिफ्रेंशिएट कर सको, ऐसे रिजल्ट उससे आते हैं। तो पीआरपी का कॉस्ट कितना होना चाहिए? तो पीआरपी का कॉस्ट फाइनलाइज करने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि पीआरपी का कॉस्ट किन फैक्टर्स के ऊपर निर्धारित रहता है, क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे पीआरपी की कॉस्ट वेरी करती है। ऑन एन एवरेज इंडिया में और पुणे जैसे सिटी में पीआरपी की कॉस्ट ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार से लेके 8 से 10 हज़ार के बीच में ली जाती है। तो क्या चीज़ें हैं जो कॉस्ट को 8 से 10 हज़ार पे लेके जाते हैं, क्या चीज़ें हैं जो क्लिनिक की पीआरपी की कॉस्ट 2 से 3 हज़ार पे लेके जाते हैं? तो सबसे पहला है कि क्लिनिक का रेपुटेशन, वो क्लिनिक में एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स है कि नहीं, वो क्लिनिक में प्रॉपर वे में सारे बायोवेस से सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं कि नहीं, वो क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेवल का है कि नहीं कि आपको हेयर रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट्स इन वन सिंगल अंडर रूफ दिए जा रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे क्लिनिक में आपको थोड़ी कॉस्ट हाई लगेगी, बिकॉज वो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया रहेगा, क्लिनिक ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया रहेगा, तो डेफिनेटली वो क्लिनिक में आपको पीआरपी की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगेगी कंपेयर टू अदर सिंगल क्लिनिक। सेकंड थिंग है डॉक्टर का एक्सपीरियंस। ओके, जो भी डॉक्टर ज़्यादा एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली वो अपना एक्सपीरियंस को और अपडेट करता रहेगा, अपने नॉलेज को और अपडेट करता रहेगा, अपने स्टाफ को और स्किल और ट्रेन करता रहेगा, तो वो डेफिनेटली वहाँ पे कॉस्ट आपको ज़्यादा मिलेगी। सारे स्टाफ की सैलरीज हाई रहेगी, वहाँ पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन, स्टराइल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे, वहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट अपडेटेड रहेंगे, तो डेफिनेटली वो वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट जा सकता है। थर्ड है क्लिनिक लोकेशन। जो टायर 2 सिटी है, टायर 1 सिटी है, वहाँ डेफिनेटली कॉस्ट हाई रहेगी। अगर आप कोई टाउन में है वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ कंपेरेटिवली कॉस्ट कम आएगी। फोर्थ है आपको पीआरपी के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो पीआरपी के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, मैं बेसिक आइडिया दूँ तो एक तो सबसे पहला होता है सेंट्रीफ्यूज। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ही आपके ब्लड में से पीआरपी सेपरेट किया जाता है। मोस्टली जो अच्छे सेंटर्स है वहाँ पे मेडिकल ग्रेड के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, जिसमें रेमी R8C नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इंडियन एसोसिएशन ने भी फाइनल किया है कि ये वाला जो सेंट्रीफ्यूज है उसके पैरामीटर्स और उसके हिसाब से अगर आप उसमें ब्लड स्पिन करते हैं, तो आपको प्रॉपर वे में जो एक्चुअली क्वालिटेटिव पीआरपी मिलना चाहिए, विथ क्वालिटी पीआरपी मिलना चाहिए, वो मिल सकता है। तो जहाँ पे भी ये रेमी R8C नाम का मशीन यूज रहा है, डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा कॉस्ट आ जाएगा, बाकी पीआरपी मशीन बहुत सस्ते आते हैं। सेकंड, जो आपका रूम है जहाँ पे पीआरपी प्रोसेस किया जा रहा है, वो एसी रूम होना चाहिए। तो डेफिनेटली एसी लगाना है, एसी वर्किंग करना है, तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट बढ़ेगा। थर्ड है स्टराइल ग्लव्स, स्टराइल ब्लड कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वहाँ का स्टाफ है प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, वहाँ पे बायो वेस्ट के लिए सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ये सब क्यों ज़रूरी है कि दोस्तों, पीआरपी में आपका ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है, अगर ब्लड में इन्फेक्शन लग गया, अगर वो ट्यूब्स अच्छे से क्लीन नहीं है, या फिर उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं, या उनका प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है जो कि एक्चुअली वॉश करके अच्छे से यूज़ होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे आपका सारा ट्यूब एंड सिरिंजेस रखा जा रहा है वो डिस्पोजेबल नहीं रखा जा रहा है, तो उसमें इन्फेक्शन लग सकता है। कोई आपके आगे कोई दूसरा पेशेंट गया है जिसका इन्फेक्टेड ब्लड था, और वो वाले स्पिलेज वाले इंस्ट्रूमेंट से आपका ब्लड और सारा कलेक्ट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी हैजार्डस थिंग फॉर यू।
तो ये सारी चीज़ इतना स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स जो फॉलो करने रहते हैं, SOPs फाइनल करने रहते हैं, वहाँ प्रॉपर क्लिनिक्स हो तो डेफिनेटली हेल्पफुल रहता है। दूसरा, PRP आपके क्लिनिक में ही अगर वो कलेक्ट होके वहाँ पे प्रोसेस होके हो रहा है तो डेफिनेटली वो अच्छी बात है। कई जगह पे कहीं लैब में ब्लड सैंपल भेजते हैं, वहाँ प्रोसेस होके आता है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको भी पता नहीं, क्लिनिक वालों को भी पता नहीं कि वहाँ पे ब्लड कैसे प्रोसेस किया गया है, उसमें क्वालिटी मेंटेन की गई है कि नहीं। तो डेफिनेटली जो इन हाउस क्लिनिक में प्रॉपर टीम होगी, इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, रूम होगा, फैसिलिटी होगी, वहाँ थोड़ा कॉस्ट आपको हाई जाएगा, बट आपको स्टैंडर्ड ऑफ केयर भी हाई मिलेगा। चौथा है, PRP का कॉस्ट आपको क्यूमुलेटिव पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि एक सेशन का कॉस्ट इतना है रहा है, आपको मिनिमम 3 से 5 सेशन जाना ही पड़ेगा। तो व्हेनेवर आप जब भी कोई क्लिनिक में PRP ट्रीटमेंट प्लान करो तो उसका एक सेशन का कॉस्ट जानने से बेटर है आप डॉक्टर से या टीम से पूछो कि आपको मिनिमम कितने PRP लेने पड़ेंगे और उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे मेजोरिटी क्लिनिक में जो भी पेशेंट आते हैं उनको ऑलमोस्ट 3 या 5 सेशन या उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसका हम प्लान पहले से ही बना के देते हैं, उनका टोटल कॉस्ट उसमें बताते हैं। दूसरा कोच, उसके साथ हिडन कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है जो भी आपको जाननी है, बिकॉज PRP स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट नहीं है, वो अकेला एज अ मोनोथेरापी कभी काम नहीं करता। इट्स अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, इट्स अ बूस्टिंग और एडेड ट्रीटमेंट। तो आपके पास पहले मेडिसिन और लोशन और सब दिया जाता है और उसके साथ PRP ऐड करते तब रिजल्ट आते हैं। तो रूटीन आपका मेडिसिन का पर मंथ खर्चा कितना आने वाला है उसके साथ, वो भी आपको जानना जरूरी है, बिकॉज वो भी एक एडेड कॉस्ट है। दूसरा है कि जो आपको साथ में एक्स्ट्रा फैसिलिटीज क्लिनिक क्या प्रोवाइड करता है उसके ऊपर भी PRP का कॉस्ट निर्धारित रहता है। जैसे कि अगर आप माइक्रो नीडलिंग के साथ PRP करवा रहे हो तो उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ती है। फिर हम लोकल एनेस्थीसिया का स्प्रे मारते हैं, लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं, वाइब्रेशन एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जब हम यूज़ करते हैं तो हमें उसकी कॉस्ट बढ़ती है। इसका एडवांटेज क्या है कि आपका PRP प्रोसेस ज़्यादा पेनलेस हो जाता है, आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है, आपके रिजल्ट आने की चांसेस जल्दी हो जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। उसका डिसएडवांटेज कि आपकी कॉस्ट थोड़ी बाई डिफॉल्ट थोड़ी बढ़ती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, लाइट थेरापी एंड ऐसे एडिशनल ट्रीटमेंट जो क्लिनिक कई बार फ्री में प्रोवाइड करता है PRP के साथ। तो हमारे मेजोरिटी क्लिनिक्स में PRP के साथ हम लो लेजर लाइट थेरापी के सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जिससे स्टेम सेल स्टिमुलेशन और होता है। तो इन रीजंस की वजह से कई बार क्लिनिक की PRP की कॉस्ट बढ़ती है। हमारे क्लिनिक में मोस्टली 4,000 to 6,000 की रेंज में बेसिक PRP ट्रीटमेंट्स होते हैं। There are other treatment as well in PRP में जो updated versions है, like biotin PRP, there is a GFC। तो ये सारे treatment में भी अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो हमारे दूसरे वीडियोज ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको इसके बारे में भी नॉलेज मिलेगी। तो इफ़ यू प्लानिंग फॉर PRP डेफिनेटली यू कैन आस्क अस, विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑन दैट पार्ट। तो दोस्तों ये वीडियो ज़रूर आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपको PRP की कॉस्ट तय करने में फ़ायदा मिलेगा कि ये सारी चीज़ें मिल रही है तो आपको ये कॉस्ट में PRP पढ़ना चाहिए। आई होप ये वीडियो, जैसा ही हम और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते रहिए, इसके लिए आपका भी हेल्प लगेगी अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में आप आंसर करोगे कि हमें कौन से टॉपिक पे और वीडियोस बनाने चाहिए। तो वी डेफिनेटली लाइक टू मेक सच कंटेंट मोर एंड मोर। सो आज के लिए अलविदा, धन्यवाद।